नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ प्रेरणा। शरीर को हेल्दी रखने के लिए खान पान के अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, उम्र के साथ वर्कआउट की आवश्यकता भी बढ़ने लगती है, अन्यथा हमारा शरीर हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार होने लगता है। अगर आप भी हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं और उससे मुक्ति पाना चाहती हैं, तो इन योगासनों के माध्यम से अपनी समस्या को सुलझा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो योगासन। बालासन। मानसिक परेशानी हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इस योगासन को करने से हमारा माइंड रिलैक्स और मन संतुलित रहता है। इसके अलावा घुटनों के बल बैठकर किए जाने वाले इस योग के कारण हिप्स और स्पाइन में भी लचीलापन बढ़ने लगता है। इसे नियमित तौर पर करने से हाइपरटेंशन की समस्या से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं बालासन को करने का तरीका। इस योगासन को करने के लिए मैट पर सीधा खड़े हो जाएं। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बैठें। इस दौरान कमर को एकदम सीधा रखें। एड़ियों पर बैठते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से चिपका लें। इसके बाद दोनों हाथों को थाइस पर टिकाएं और गहरी सांस लें। इसके बाद दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और बाजुओं को एकदम सीधा रखते हुए जमीन पर रखें। अपने चेहरे को जमीन से छुएं और हाथों को आगे की ओर खींचें। आप चाहें तो सिर के नीचे तकिया भी टिका सकते हैं। इस योगासन के दौरान गहरी सांस लें और छोड़ें। इस योग मुद्रा में शरीर को 30 सेकंड तक बनाए रखें। इस प्रकार 2 से 3 बार इस योग मुद्रा को दोहराएं। वीरासन। इस योग को करने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती है, साथ ही घुटनों और हाई बीपी की समस्या हल होने लगती है। इसे नियमित तौर पर करने से याददाश्त कम होने की परेशानी से राहत मिल जाती है। इसके अलावा पैरों का दर्द भी इस योग को करने से ठीक होने लगता है। तो आइए आपको बताते हैं इस आसन को करने का सही तरीका। इस योग को करने के लिए मैट पर वज्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद दोनों पंजों को पीछे की ओर लेकर आएं। योगासन को करने के लिए दोनों पैरों को हिप्स से न छूते हुए नीचे की ओर रखें। अब दोनों पैरों की उंगलियों को एक दूसरे से छुएं। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और गहरी सांस लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया को 1 मिनट तक दोहराएं। इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।